Howdy, this is the Rex and welcome to Rexomaniac. Today we are talking about Free Fire SMG gun. So Free Fire में कौन सी best SMG gun है और Free Fire में कौन कौन सी SMG guns हैं? अगर आप Free Fire में beginners हो और आप जानना चाहते हो कि कौन सी best SMG gun है तो ये video बहुत ही helpful होने वाली है. तो Free Fire में है 5 तरह की SMG gun, UMP, MP5, MP40, P90 and BSS. तो इनसे खेल के हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कौन सी gun best है. तो video शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी request है, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन टैप करके ऑल कर लेना जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी. मैं लाता रहता हूँ फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, इवेंट्स के बारे में जानकारी और बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. अब आपको दिखाते हैं फ्री फायर में गन UMP. तो UMP SMG गन है, SMG गन जिनमें SMG एमओ पड़ते हैं, सब मशीन गन्स जिनको SMG गन्स बोलते हैं. तो UMP गन एक ऐसी है जिसमें हमें डैमेज 48 की मिलती है, रेंज इसमें 31 की है, मैगजीन क्लिप इसमें 30 एमओज मिलेंगे, रेट ऑफ फायर 75 का है, बहुत ही अच्छा है, रिलोडिंग स्पीड इसकी 62 है, बहुत जल्दी रिलोड हो जाती है, एक्यूरेंसी 24 है जो काफ़ी कम है और अटैचमेंट साइलेंसर, मजल, फॉरग्रिप, मैगजीन, स्कोप ये सब लगता है. तो UMP में 30 एमओज आते हैं और स्टेबल सब मशीन गन, परफेक्ट फॉर न्यू यूज़र. अगर आप बिगिनर्स हो, न्यू यूज़र हो, नई नई फ्री फायर गेम डाउनलोड की है तो बहुत ही अच्छी गन है. चलिए आपको प्रैक्टिकली बताते हैं UMP को यूज़ करके. देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेट ऑफ फायर है UMP का और शॉर्ट रेंज और क्लोज रेंज के लिए काफ़ी अच्छी है और इसमें एक्यूरेंसी थोड़ी डाउन है. आपको बार बार एम करके जो है देख सकते हैं आप थोड़ा लॉन्ग रेंज में UMP यूज़ करके बताएंगे अभी आपको. तो 15-15 अच्छी डैमेज देती है, जूम इन जूम आउट करके भी इसमें आप मार सकते हो. तो UMP शॉर्ट रेंज के लिए बहुत ही अच्छी गन है. आप इसमें टैप टैप करके फायर कीजिए, काफ़ी अच्छी गन है. तो यहाँ देख सकते हैं आप UMP का रेट ऑफ फायर और बहुत ही जल्दी डैमेज दे रही है और बहुत ही अच्छी गन है. अगर आप शॉर्ट रेंज क्लोज रेंज के लिए लेना चाहते हो तो कर सकते हो. इसको आप जूम करके भी एनिमीज को किल कर सकते हो, इसमें स्कोप लगा सकते हो, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी गन है UMP. अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गन MP5 के बारे में. आउटशाइन्स अदर सब मशीन गन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी बट लॉसेस इट्स इफेक्टिव ओवर फार डिस्टेंस. तो बैलेंस्ड गन है, डैमेज इसमें 48 की है, रेंज 27 है, मैगजीन इसमें 30 है, रेट ऑफ फायर इसमें 69 है, रिलोडिंग स्पीड 62 है और एक्यूरेसी जो है वो 53 है और इसमें भी साइलेंसर, मजल, फॉरग्रिप, मैगजीन और स्कोप लग सकता है. तो MP5 जो है एक स्टेबल गन है लेकिन अगर आप दूर के लिए इसको यूज़ करते हो तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो इसकी गोलियां जो हैं काफ़ी स्ट्रेट देखने को मिलती है हमें. तो अभी आप देख सकते हो अभी एनिमीज थोड़ा फार अभी है तो रिकॉयलिंग इसकी हो रही है. तो MP5 जो है शॉर्ट रेंज के लिए काफ़ी अच्छी गन है और मिड रेंज तक भी काफ़ी अच्छी गन है अगर एनिमी दूर हो तो. अभी देख सकते हैं आप तो इसमें स्टेबिलिटी हमें बहुत कम मिलती है. तो MP5 की स्टेबिलिटी जो है वो फार डिस्टेंस दूर अगर काफ़ी दूर के लिए आप बोलें तो इसकी रेंज थोड़ी कम है लेकिन काफ़ी अच्छी गन है शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए. आप काफ़ी इजीली इससे किल कर सकते हो और इसमें आप स्कोप लगा के जूम भी कर सकते हो और एनिमीज को किल करना है तो आप इसको शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में काफ़ी इजीली कर सकते हो. इससे आप स्कोप ऑन करके किसी को हेडशॉट भी दे सकते हो. अब बात करते हैं नेक्स्ट गन MP40 के बारे में. तो इसमें हमें बहुत शॉर्ट क्लिप मिलते हैं, डैमेज इसमें काफ़ी अच्छी है 48, रेंज इसमें कम है 22, मैगजीन इसमें 20 एमओज है, रेट ऑफ फायर इसमें बहुत ही अच्छा है, रिलोडिंग स्पीड इसकी 48 है और एक्यूरेसी जो है वो 17 बहुत कम है. इसमें हम मैगजीन लगा सकते हैं, स्टॉक लगा सकते हैं और फॉरग्रिप लगा सकते हैं. बाकी इसमें कोई और अटैचमेंट नहीं लगती है बट इसमें हाई रेट ऑफ फायर मिलेगा और क्लोज रेंज और मिड रेंज में ये काफ़ी यूज़फुल गन है लेकिन शॉर्ट रेंज में तो बहुत ही अच्छी गन है MP40. तो आप देख सकते हैं शॉर्ट रेंज में बहुत ही अच्छा रेट ऑफ फायर और बहुत ही तेज़ी से मतलब इसकी गोलियाँ चलती हैं, काफ़ी अच्छी गन है बट इसमें क्लिप जो है वो कम है, 20 एमओ मिलेंगे. आपको मैगजीन लगा के इसका क्लिप ज़्यादा बढ़ा सकते हो और इसमें आपको फॉरग्रिप और स्टॉक भी साथ में लगाना है ताकि इसमें एक्यूरेसी और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे. तो क्लोज रेंज में काफ़ी अच्छी गन है हमारी MP40 और इसमें हमें बहुत ही अच्छे रेट ऑफ फायर मिलता है और एक अच्छी डैमेज भी मिलती है. तो MP40 बहुत ही अच्छी गन है. अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट SMG गन P90 की. तो P90 जो है SMG गन में बहुत ही लार्ज क्लिप साइज़ की गन है, इसमें 50 एमओ आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ फायर मिलेगा और स्ट्रॉन्ग मिड रेंज फायर पावर, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मिड रेंज इसकी फायर पावर है. इसमें हमें
लार्ज मैगजीन और मिड रेंज बहुत ही अच्छी मिलती है। डैमेज इसमें 48 की है, रेंज इसमें 27 की है, मैगजीन इसमें 50 की है। रेट ऑफ फायर इसमें काफ़ी अच्छा है 75 का, रिलोडिंग स्पीड 48 की है, एक्यूरेसी 37 है, काफ़ी अच्छी गन है। इसमें स्कोप और मैगजीन और स्टॉक लग सकता है और इसमें आप काफ़ी अच्छे हाई रेट ऑफ फायर से किसी को भी किल कर सकते हो। P90 काफ़ी अच्छी गन है, लेकिन आपको इसकी स्टेबिलिटी मिड रेंज में ज़्यादा देखने को मिलेगी और मिड रेंज में काफ़ी हेल्पफुल गन है। तो अभी P90 से आपको खेल के दिखाते हैं। तो P90 गन काफ़ी अच्छी गन है, सबसे ज़्यादा इसमें क्लिप देखने को मिलते हैं हमें, SMG में सबसे ज़्यादा क्लिप गन है। तो अभी देख सकते हैं आप मिड रेंज में P90 का रेट ऑफ फायर जो काफ़ी अच्छा है और साथ में P90 काफ़ी हेल्पफुल गन है। लेकिन आप ज़्यादा क्लोज बैटल अगर करना चाहोगे तो P90 इतनी यूज़फुल आपके लिए नहीं होगी, लेकिन अगर आप मिड रेंज के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पावर है जिससे आप किसी को भी इजीली किल कर लोगे और स्ट्रॉन्ग आपका इसमें क्लिप मिलता है जो 50 MOs हैं, आपको रिलोडिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। तो काफ़ी अच्छी गन है, देखो मिड रेंज पे काफ़ी अच्छा रेट ऑफ फायर और बहुत ही अच्छी डैमेज दे रही है। तो इसको जितना हो सके आप मिड रेंज में खेलिए। P90 अगर आपके पास गन है तो शॉर्ट रेंज और क्लोज रेंज को थोड़ा भूल जाइए। तो देख सकते हैं आप मिड रेंज में काफ़ी यूज़फुल गन है और इसमें शॉर्ट रेंज में आप लोगे तो शॉर्ट गन के आगे P90 नहीं चलेगी, बट आप देख सकते हैं मिड रेंज में काफ़ी यूज़फुल गन है। क्लोज रेंज में इसमें काफ़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो क्लोज रेंज में आपको जो है एक कवर के साथ इसमें खेलना है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो P90, एक लार्ज क्लिप जो गन है फ्री फायर में SMG गन्स में। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज एनिमी है, तो बहुत समय लगा मुझे उसको किल करने में। तो P90 आपको मिड रेंज में बहुत अच्छी फायर पावर देती है और बहुत ही यूज़फुल गन है, मिड रेंज बैटल के लिए सबसे बेटर गन है P90 और MP5। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गन, लास्ट SMG की, वो है BSS। BSS ए साइलेंट स्नाइपर राइफल दैट वर्क वेल ओवर मिडल डिस्टेंस। इसमें री अटैच्ड हमें साइलेंसर मिलता है जो पहले से लगा होता है और लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन है ये, एक स्नाइपर की तरह दिखने वाली, बट ये SMG गन है, इसमें SMG MOs पड़ते हैं और डैमेज इसमें 52 की है, रेंज इसकी काफ़ी अच्छी है 83, मैगजीन इसमें 15 MOs का है, वो बहुत कम है, रेट ऑफ फायर 48 का है और रिलोडिंग स्पीड इसकी 55 है और एक्यूरेंसी 73 की है। इसमें हमें अटैच्ड 4x स्कोप मिलता है, इसमें हम मैगजीन और स्टॉक लगा सकते हैं और इस गन में कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको BSS का गेम प्ले यूज़ करके। तो BSS जो है एक आपको मिड रेंज और लॉन्ग रेंज एक स्नाइपर गन है और इसमें साइलेंसर लगा होता है, यानी कि आपकी लोकेशन जो है वो एनिमीज़ को शो नहीं होती है मैप में। जैसे हम किसी और गन के साथ साइलेंसर इक्विप करते हैं, इसमें साइलेंसर पहले से लगा होता है और 4x भी इसमें पहले से लगा होता है। BSS आपको रिपर बुलेट्स के साथ यूज़ करनी चाहिए और इसको कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छी गन है। अगर आप किसी घर में कैंप कर रहे हो तो ये गन काफ़ी यूज़फुल है, आप वहाँ से हिट कर सकते हो, इसमें साइलेंसर पहले से लगा होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और कैंपिंग में आप इसे हिट कर सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको एक नॉर्मल डैमेज देगी बट ये गन आपको एक्सपोज नहीं करवाती अपने एनिमीज के आगे। तो SMG अगर आप किसी घर में कैंप कर रहे हो और वहाँ से आपको कोई एनिमी दिखता है तो उसको आप इजीली किल कर सकते हो। तो BSS आपको कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छी गन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डैमेज आपको थोड़ी कम मिलेगी, बट आपके पास अगर रिपर्स बुलेट हैं तो आपको थोड़ा रेट ऑफ फायर और थोड़ी डैमेज ज़्यादा मिल जाएगी। तो BSS गन को अगर आपने यूज़ करना है तो कैंप के लिए और साइलेंटली अगर आप किसी को किल करना चाहते हो तो BSS एक 4x प्री अटैच्ड इसमें हमें स्कोप मिलता है, काफ़ी अच्छी गन है और साथ में प्री अटैच्ड साइलेंसर होता है जिससे आपकी लोकेशन जो है वो एनिमीज़ को सामने रिवील नहीं होती है, आप इजीली किसी को भी किल कर सकते हो BSS से बिना अपनी लोकेशन को दिखाए। तो BSS गन SMG की एक और गन है। अब बात आती है कि विच इज़ द बेस्ट गन इन फ्री फायर SMG में, SMG में फ्री फायर में कौन सी सबसे बेस्ट गन है। तो अगर आप अभी बैगिनर्स हो तो मैं बोलता हूँ कि आपके लिए जो है वो UMP बहुत ही अच्छी गन है, एक अच्छे रेट ऑफ फायर के साथ, मिड रेंज तक की एक्यूरेसी के साथ, आप उसमें टैप टैप करके भी फायर कर सकते हो जिससे आपको एक्यूरेसी जो है थोड़ी
अच्छी मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे SMG में बेस्ट गन जो है वो है MP40। अगर आपका गेम प्ले काफ़ी लंबा है, पहले से आप खेलते आए हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है, वो है एमओज, यानी कि आपका जो क्लिप है वो बहुत छोटा होता है। तो MP40 के लिए आपको मैगजीन और क्लिप बढ़ाना पड़ता है, MP40 में आपको क्लिप साइज एमओ साइज ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट SMG गन जो है वो UMP और MP40s हैं। अगर आप न्यू वैगनर्स हो तो UMP ज़रूर चलाइए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और अगर आप पहले से खेलते आए हो तो MP40 सबसे बेस्ट गन है SMG में क्लोज रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन टैप करके ऑल कर लेना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। मैं लाता रहता हूँ फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, इवेंट्स के बारे में जानकारी और भी बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फ्री फायर SMG गन्स को लेके तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं आपको रिप्लाई में दे दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टिप है हाउ कैन आई इंप्रूव माय कंटेंट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में मुझे ये भी बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी हंटिंग।